हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्किल्स मैटर। तो गाइस, इस वीडियो में आपके लिए फिर से Udemy के कुछ टॉप पेड कोर्सेस लाए हैं जिन्हें आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल कर सकते हैं, और इन सभी कोर्सेज के जो सर्टिफिकेट्स है वो आपको जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो गाइस, आज का हमारा फर्स्ट कोर्स है जो कि पाइथन पर बेस्ड है। यहाँ पर आपको पाइथन लैंग्वेज फ्रॉम बिगिनिंग से सीखने मिलेगी। इस कोर्स का लिंक आपको जो है फ्री कोर्स नंबर वन इस तरह से वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली उस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, आप जो है इस पेज पर आ जाएंगे और आपको यहाँ पर आपको सिंपली ऐड टू कार्ट करना है। वीडियोस के फॉर्मेट में आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। उन लेक्चर्स को कंप्लीट करने पर एंड में आपके लिए एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। तो गाइज, आज का सेकंड कोर्स है जो कि है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर फॉर बिगिनर्स क्रैश कोर्स। अगर आपको एसक्यूएल लैंग्वेज सीखनी है जो कि डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप जो है इस कोर्स को इनरोल कर सीख सकते हैं। देन आज का हमारा कोर्स नंबर थर्ड जो कि हाईएस्ट रेटेड टैग है, प्रैक्टिकल जावा बेसिक कोर्स विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल। सो यहाँ पर आपके लिए जावा का सबसे बेस्ट कोर्स मिल रहा है। जहाँ पर आप इसकी रेटिंग चेक करें तो 4.6 की रेटिंग है और यहाँ 6 की रेटिंग है, और यहाँ से आपको जो है जावा लैंग्वेज अगर सीखनी है तो यहाँ पर से आप सीख सकते हैं विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। देन आज का हमारा कोर्स नंबर फोर जो कि है C++ कंप्लीट कोर्स फॉर बिगिनर्स। अगर आपको C++ लैंग्वेज सीखनी है तो यहाँ से आप जो इस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ये लैंग्वेज आपको जो है बहुत जगह यूज होगी। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में भी आप जो है इस लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जो है गेमिंग वगैरह में भी C++ जो है यूज होती है। सर, आज का हमारा कोर्स नंबर फाइव जो कि लर्न MySQL फॉर बिगिनर्स। अगर आपको SQL लैंग्वेज सीखनी है तो आप जो है इस कोर्स को इनरोल करके सीख सकते हैं। देन कोर्स नंबर सिक्स एक और जो कि SQL पर है, यहाँ पर आपको जो है SQL सर्वर डाटाबेस इंजन फॉर बिगिनर्स। तो यहाँ से आप जो है डाटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो SQL, यहाँ से आप जो है SQL सीख सकते हैं। देन आज का हमारा कोर्स नंबर सेवन जो कि है 12 वीकेंड कोडिंग प्रोजेक्ट्स फॉर बिगिनर्स फ्रॉम स्क्रैच फ्रॉम, यानी आपको बिगिनिंग लेवल से 12 वीकेंड कोडिंग आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। और 12 वीकेंड का ये मतलब हर एक दिन आपको क्या क्या चीज़ें करनी, यहाँ पर आपको फुली इंस्ट्रक्ट मिल जाएगा गाइडलाइंस, और आप जो है इस कोर्स को इनरोल कर अपने प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच लेवल। देन आज का हमारा कोर्स नंबर एट जो कि है C++ इंटरमीडिएट टू एडवांस कोर्स विद प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपने इससे पहले कोर्स देखा जहाँ पर आपको C++ लैंग्वेज सीखने मिल रही थी जो कि बिगिनर लेवल थी, और आप जो है अगर आपको बिगिनिंग लेवल आती है तो आप जो है इस इंटरमीडिएट कोर्स को इनरोल कर साथ ही साथ अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं C++ लैंग्वेज। देन आज का हमारा कोर्स नंबर नाइन जो कि लर्न जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर्स। अगर आपको जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज सीखनी है तो आप जो इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। देन आज का हमारा कोर्स नंबर 10 जो कि लर्न PHP फॉर बिगिनर्स। तो अगर आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है और अगर PHP लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप जो है इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, जो कि कोर्स नंबर 10 है हमारा। देन आज का कोर्स नंबर 11 जो कि लर्न jQuery फॉर बिगिनर्स, ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। अगर आपको वेब डेवलपमेंट में अगर जाना है और एक लाइब्रेरी सीखनी है जावास्क्रिप्ट की, आप जो है jQuery को चूज कर सकते हैं। देन आज का हमारा कोर्स नंबर 12 जो कि है CSS, तो ये भी एक वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्स है जहाँ आपको कैस्केडिंग स्टाइल शीट यानी CSS सीखने मिलेगा। देन आज का हमारा कोर्स नंबर 13 जो कि अगर आपको अपनी वेबसाइट 13 जो कि अगर आपको अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है तो आप जो है बूटस्ट्रैप सीख सकते हैं इस कोर्स को इनरोल करने के बाद। देन आज का हमारा कोर्स नंबर 14 जो कि मशीन लर्निंग पर बेस्ड है, यहाँ पर आपको मशीन लर्निंग जो है आर स्टूडियो के साथ सीखने मिल रही है, और लेटेस्ट कोर्स है 2021 का, 4.4 की रेटिंग है। देन आज का हमारा कोर्स नंबर 14 जो कि एक वापस से जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क है, जहाँ पर आपको जो है वेब एक्सप्रेस वेब फ्रेमवर्क सीखने मिल रहा है, लर्न एक्सप्रेस एंड इंटरेक्ट विद Node.js एंड MongoDB। तो यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट का एक लाइब्रेरी भी सीखने मिल रही थी पिछली बार जो कि jQuery, और यहाँ से साथ ही साथ अगर आपको फ्रेमवर्क सीखना है तो आप जो एक्सप्रेस फ्रेमवर्क भी सीख सकते हैं Express.js। फिर आज का हमारा कोर्स नंबर 16 जो कि ECMAScript फॉर बिगिनर्स। तो यहाँ जैसे कि आप जानते हैं जावास्क्रिप्ट ही ECMAScript है, तो अगर आपको जो है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट सीखनी है तो आप जो इस कोर्स को इनरोल करके सीख सकते हैं। देन आज का हमारा कोर्स नंबर 17 जो कि वेब डेवलपमेंट से, यहाँ पर आपको HTML और CSS सीखने मिल जाएगा। देन आज का हमारा कोर्स नंबर 18 जो कि इंटरमीडिएट पाइथन इमर्सिव ट्रेनिंग बूस्ट योर करियर। तो यहाँ पर आपको जो है पाइथन की इमर्सिव ट्रेनिंग है, 4.2 की रेटिंग है, इस पर आप चेक कर सकते हैं कि कोर्स कंटेंट क्या है। जितने भी पाइथन के आपको कोर्सेज मिल जाएंगे आप जो उन कोर्सेज को कंपेयर करके चूज कर सकते हैं। देन आज का हमारा कोर्स नंबर 19 जो कि वापस एक पाइथन पर कोर्स बेस्ड है, यहाँ पर आपको जो है कंप्रेसिव बूट कैंप, यानी यहाँ पर आपको पाइथन का बूट कैंप पर बेस्ड ये कोर्स बनाया गया है, और बूट कैंप यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटेंट, और आप जो इस तरह इस कोर्स को इंप्रूव कर सकते हैं। देन आज का हमारा कोर्स नंबर 20 जो कि स्क्रम फंडामेंटल्स फॉर स्क्रम मास्टर एंड अजाइल प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर आप देखें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिलेटेड ये कोर्स है, यहाँ पर आपको जो है किस तरह आप जो है स्क्रम का स्क्रम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड का फायदा उठा सकते हैं। देन आज का हमारा कोर्स नंबर 21 जो कि एक गाइड टू अंडरस्टैंड जावा जेनेरिक्स विद एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर जावा पर बेस्ड एक कोर्स है, अगर आपको इस कोर्स आपके लिए है तो आप जो है इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। देन आज का हमारा कोर्स नंबर 22 जो कि बिग डाटा ऑन अमेजोन वेब सर्विस AWS। तो यहाँ पर आपको डेवलपमेंट टूल से रिलेटेड AWS सीखने मिल जाएगा, जो कि कोर्स नंबर 22 है।
देन आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 23 जो कि है पाइथन नेटवर्क प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स। तो यहाँ पर पाइथन जो है एक यहाँ पर पाइथन का एप्लीकेशन आपको नेटवर्क इंजीनियर्स किस तरह करते हैं उस पर बेस्ड आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 24 जो कि एसक्यूएल माई एसक्यूएल डेवलपर। तो एसक्यूएल से रिलेटेड आज की वीडियो में बहुत से कोर्सेस हैं, द कंप्लीट रिएक्ट रिडक्स नोड एक्सप्रेस माई एसक्यूएल डेवलपर कोर्स। तो यहाँ पर आप देखते हैं रिएक्ट रिडक्स नोड के साथ किस तरह आप जो एसक्यूएल को कंबाइन कर सकते हैं, इस पर बेस्ड ये कोर्स है। देन आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आर प्रोग्रामिंग फॉर डाटा साइंस विद रियल एक्सरसाइजेस। तो यहाँ पर आपको आर लैंग्वेज मिलने सीखने मिलेगी जहाँ पर आप जो कि डाटा साइंस में यूज होगी और आपको विद एक्सरसाइज मिलने वाला है ये कोर्स। तो आज का हमारा कोर्स नंबर 26 जो है पाइथन मेड इजी फॉर बिगिनर्स स्मॉल बेसिस फुल पावर। तो यहाँ पर आपको पाइथन से रिलेटेड एक और कोर्स मिल जाएगा। फिर आज का हमारा कोर्स नंबर 27 जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आपको जो है नेटवर्क सिक्योरिटी के जो भी फंडामेंटल्स है वो सीखने मिल जाएंगे। देन आज का हमारा कोर्स नंबर 28 जो कि फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑन नेटवर्क सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आप देखें क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं एमसीक्यू बेस्ड नेटवर्क सिक्योरिटी पर। तो यहाँ पर आप देखें टेस्ट प्रिपरेशन कोर्स है एक। देन आज का हमारा कोर्स नंबर 29 जो कि है जैंगो बेसिक ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर आपको जो है जैंगो सीखने मिल रहा है विद बेसिक्स। तो आप देखें यहाँ पर तो नवीन रेड्डी इनके इंस्ट्रक्टर है, इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, तो ये एक अच्छे इंस्ट्रक्टर है। तो आप जो इस कोर्स को एनरोल कर जैंगो सीख सकते हैं। आज का हमारा कोर्स नंबर 30 जो कि लर्निंग आईटी हेल्प डेस्क बेसिक्स। तो यहाँ पर जो आईटी हेल्प डेस्क पर जो भी काम होते हैं उसका बेसिक्स आपको यहाँ पर सीखने मिल जाएगा। तो गाइस इन सभी 30 कोर्सेज के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।